हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रैश कोर्स इन केमिस्ट्री आगे कंटिन्यूएशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस नाइट्रोजन में हम तीन फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, एक अमीन्स की, एक डाइजोनियम सॉल्ट्स की और एक हम बात करेंगे नाइट्रो ग्रुप की। इन तीनों ग्रुप्स की हम बात करेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अगर नाइट्रो ग्रुप की हम बात करें तो उन्हें हम नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? इसका स्ट्रक्चर है ये हमारा, जिसमें N एक फ्री वैलेंसी है। सो अगर R ग्रुप या अल्काइल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप पे जुड़ा हुआ है तो उसे हम अल्काइल नाइट्रो या एलिफेटिक नाइट्रो कहते हैं, और अगर एराइल ग्रुप या जैसे बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है तो उसे हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। सो एलिफेटिक नाइट्रो अगर R अल्काइल है और एरोमेटिक नाइट्रो अगर R एराइल है। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जिसमें एक वैलेंसी फ्री होती है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस के कारण ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन। ठीक है, सो प्रिपरेशन कैसे है? नाइट्रो एल्केन्स को अगर हम प्रिपेयर करें सो दे आर ऑब्टेन्ड व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड को आप ट्रीट करें अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, सो आपके पास RNO2 बनता है। ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक AgNO3 सॉल्यूशन है और इसके अंदर AgNO2 सॉल्यूशन होगा, नाइट्राइट होता है यहाँ पे और हमारे पास बनता है नाइट्रो एल्केन। ठीक है, नाइट्रेट नहीं लेंगे, नाइट्राइट लेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो आप बेंजीन लेंगे और बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन के लिए हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, और इसका नाइट्रेशन होगा, दिस रिएक्शन फॉलोज ESR मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड वी कॉल इट एज नाइट्रेशन रिएक्शन फॉलोड बाय नाइट्रो ग्रुप गेट सब्स्टिट्यूटेड ओवर बेंजीन रिंग। सो यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है NO2+, जो आप 11th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई अल्काइल नाइट्रेट की, नाइट्रो की, और एलिफेटिक नाइट्रो और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो जब हम देखते हैं कि जो नाइट्रो एल्केन्स हैं या एरीन्स हैं, इनमें अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इनका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, दे हैव वेरी हाई डायपोल मोमेंट। रीजन क्या है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो पोलैरिटी आ जाती है, और इनकी शेप के कारण इनका डायपोल मोमेंट अराउंड 3 to 4 Debye पहुंच जाता है। दूसरी चीज, अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सो दीज कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स से ही ज्यादा है। अगर हम हेलाइड्स की बात करें या अल्कोहल की या एसिड्स या एल्डिहाइड कीटोन्स की, तो उनके कंपैरिजन में इन नाइट्रो के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ओके, बट हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में इन नाइट्रो के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि अगर नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस किया जाए तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने लिया नाइट्रो से RNO2 लिया, और अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं या तो जिंक HCl से, या फिर आप ले रहे हैं आयरन HCl, या आप ले टिन HCl, अगर आप इस तरह के एसिडिक कंडीशंस में रिडक्शन करते हैं तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी अमीन होगा। ठीक है, पहली चीज, सो रिडक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हमारे पास प्राइमरी अमीन बनेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन हमेशा पीएच पे डिपेंड करता है। अगर न्यूट्रल कंडीशंस में हम नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करा रहे हैं, जैसे आपने जिंक HCl ना लेके जिंक डस्ट लेके अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ले लिया, तो क्या होगा?
सो जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्सिल अमीन स्टेज पे ही जाके रुक जाएगा. सो हमारे पास बन जाएगा NH2OH. रिएक्शन NO2 जो है NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन स्टेज पे जाके ही रुक जाएगा और फर्दर रिएक्शन नहीं होगी. सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर और जो भी हमने एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल कंडीशंस रखी हैं उस पर डिपेंड करेगा. अब अगर आपके पास बेसिक कंडीशंस है तो हमारे पास क्या बनेगा. सपोज आपने RNO2 लिया और बेस में सपोज आपने NaOH ले लिया तो आपके पास एजॉक्सी बेंजीन बनेगा. ठीक है, यहां पे R की जगह आपको ARNO2 लेना होगा तभी बेंजीन आएगा. अगर आपने जिंक और NaOH साथ में ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल इज द सॉल्वेंट तो आपके पास एजो बेंजीन बनेगा. सो आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कौन सी ली हुई है. अगर आपने किसी कैटेलिस्ट के साथ रिड्यूस कराया जैसे निकल या हाइड्रोजन लिया तो आपके पास प्राइमरी अमीन बन जाएगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग होते हैं और हमारे पास प्राइमरी अमीन्स आ जाएंगे. सिमिलरली अगर आप यहां पे निकल हाइड्रोजन की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें तो भी आपके पास प्राइमरी अमीन ही बनेगा. सो ये हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जिसमें रिडक्शन से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं. अब हम बात करेंगे यहां पे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की जिसे हम कहते हैं डाइजोटाइजेशन. सो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है. अगर आपके पास एनिलीन बना या पहले आप ले लीजिए नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो का रिडक्शन किया टिन एचसीएल के साथ और आपने उसको बनाया एनिलीन. इस एनिलीन को अगर आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल सोडियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल रिएक्शन करें 0 to 5 degree Celsius तो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है जिसकी रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड दिस नेम रिएक्शन इज नोन एज डाइजोटाइजेशन. और क्योंकि नेम रिएक्शन है इसलिए बच्चों अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हुआ, अमीनो बना और अमीनो में नाइट्राइट ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सो विल बी हैविंग डाइजोनियम सॉल्ट. व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट डाइजोनियम सॉल्ट. दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दस इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेकेंडली इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सो इट फॉर्म्स एंड विल नॉट डिसोसिएट फर्दर. सो रेजोनेंस के कारण स्टेबल होने के कारण जल्दी बन जाता है और आगे दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या रिएजेंट्स को प्रिपेयर करने में बहुत यूजफुल होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे टॉपिक एसिडिक नेचर. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही हमारे पास आया एसिडिक नेचर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अगर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स हैं ARNO2 या RNO2 प्राइमरी और सेकेंडरी है तो हम देखते हैं कि इनकी जो एसिडिक नेचर है बहुत वीक होती है. वी कैन से दे आर वीकली एसिडिक. ठीक है, एंड कैसे पता चले. अगर हम इसको डिसॉल्व करें सोडियम हाइड्रोक्साइड में इस नाइट्रो ग्रुप को तो हमारे पास क्या बनता है सॉल्ट. ठीक है, सो दे आर एसिडिक इन नेचर. अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में बात करें तो ये उनसे भी ज्यादा एसिडिक होते हैं बट लिटमस में कोई चेंज नहीं कर पाते. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसका नेचर क्या होगा. फर्स्ट थिंग इज इट इज डीएक्टिवेटिंग. डीएक्टिवेटिंग मीन्स, डीएक्टिवेटिंग का मतलब है जो ग्रुप बेंजीन रिंग की रिएक्शन को स्लो कर रहा है उसे हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग. ओके, एंड सेकेंडली इज मेटा डायरेक्टिंग. मेटा डायरेक्टिंग मीन्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरों पे ना जाके मेटा पोजीशन पे जाएगा. सो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डीएक्टिवेटिंग नेचर शो करता है एंड मेटा डायरेक्टिंग होता है जिसके कारण से जो भी प्रोडक्ट होगा सपोज आप इसका ब्रोमिनेशन करें, नाइट्रेशन करें या सल्फोनेशन करें तो हमारे पास मेटा पे ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे. एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है तो ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इट डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. सो इट इज हाईली डीएक्टिवेटिंग एंड एट द सेम टाइम इट रिएक्ट विद AlCl3 एंड दस इट विल विच इज यूज एज कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन. दस इट इज इट डज नॉट अंडरगो दिस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. ठीक है, देन
दिस नाइट्रोबेंजीन, दैट मींस बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है. इट अंडरगो दिस न्यूक्लियोफिलिक और एसएन रिएक्शन, बट कहां पे होंगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. सो न्यूक्लियोफाइल अगर सब्स्टिट्यूट हो रही है तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो मेटा पे जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो ये नाइट्रो की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी. तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूं. मान लीजिए आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, उसमें आपने KOH ऐड किया, तो जैसे ही आप KOH ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा नाइट्रो, जिसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन पे फिनॉल ग्रुप आ जाएगा. सो दैट इज कि न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो फिनॉल इन दिस केस. सो दिस ऑल अबाउट इज नाइट्रो. अब हम बात करते हैं अमीन्स की. अमीन्स क्या होते हैं? अगर अमीन्स को हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है RNH2 या ARNH2. R एल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक हो जाएगा, और AR एराइल ग्रुप है, एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज अमीन. सो अमीनो ग्रुप क्या है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटाया, माइनस किया, और उसकी जगह R या AR ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया RNH2 या ARNH2, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स. ठीक है, अब हम बात करें प्रिपरेशन की. सो प्रिपरेशन है इसमें हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड. हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड में क्या होता है, आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं, से आपने RX लिया और उसको अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया से ट्रीट किया जाता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमोनिया बनेगा, दैट मींस RNH2 बनेगा, फिर आपने फर्दर NH3 डाल दिया, फिर आपके पास R2NH बनेगा, देन यूल बी हैविंग R3N, देन यूल बी हैविंग R4+N-. सो आपके पास इस तरह से क्वार्टरनरी सॉल्ट तक रिएक्शन होती है. बट अगर आप इसमें AR ले लें तो ये रिएक्शन नहीं होगी. एराइल अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं दे पाता. हमने पढ़ा हुआ है हेलोजन में भी, अगर आपके पास यहां पे एक्स है तो यहां पे अमोनिया का अटैक नहीं हो पाएगा इजिली या नॉर्मल कंडीशन में. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिडक्शन. रिडक्शन क्या है? अगर हम एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स को, जैसे हमने पढ़ा था RNO2 को या ARNO2 को, हम एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करें या स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, तो हमारे पास RNH2 बनेगा. सो दिस इज सेकेंड प्रिपरेशन फॉर अमीन्स. सो प्राइमरी अमीन्स बन जाएंगे हमारे पास. आपके अगर आप इसमें स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें तो भी बन जाएगा, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जैसा कि अभी हमने नाइट्रो की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा, सारी वही रिएक्शन आ जाएंगी अमीन्स के लिए. ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास रिडक्शन होगा. नेक्स्ट प्रिपरेशन इज बाय यूजिंग साइनाइड. साइनाइड मीन्स RCN अगर आपके पास है, और अगर आप इसमें स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं जैसे निकल हाइड्रोजन ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या अगर आप सोडियम इथेनॉल लें तो आपके इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन कहा जाता है, MENDIUS, मेंडियस रिडक्शन. अगर आप सोडियम इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं तो RCN RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ साइनाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स. सेकेंडरी अमीन्स हमेशा आइसोसाइनाइड से बनेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूं. आपके अगर आप प्राइमरी अमीन्स बना रहे हैं तो RCN से बन जाएंगे प्राइमरी अमीन्स, और अगर आपने RNC लिया मीन्स आइसोसाइनाइड, सो आपके पास बनेगा सेकेंडरी अमीन्स. ठीक है, ये रिएक्शन किस तरह से होगी? आपके पास है RNC, आपने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाला, से मैंने डाला इसमें निकल और हाइड्रोजन, और हमारे पास बन गया RNHCH3. सो दिस इज नाउ सेकेंडरी अमीन. ठीक है,
सो इस तरह से हम अलग अलग अमीन्स भी बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रो कंपाउंड्स और साइनाइड और आइसोसाइनाइड. ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन वी हैव इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस. गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस नेक्स्ट रिएक्शन है. इसमें हम थैलिमाइड लेते हैं और उसको आगे फर्दर ट्रीट कराते हैं. सो रिएक्शन क्या होगी हमारी, हमने लिया थैलिमाइड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थैलिमाइड. इमाइड ग्रुप है, CONH बेंजीन पे लगे हुए, थैलिक एसिड से बनता है और इसको हमने KOH डाला, एल्कोहलिक KOH. वाटर एलिमिनेट होगा, इसका H और इसका OH निकला और हमारे पास जो कंपाउंड आया वो एक सॉल्ट रह गया, CO, CO, N, H2O निकल गया, K इसके पास आ गया. सो N-K+ हमारे पास सॉल्ट बना. इस समय मैंने यहां पे एल्काइल हैलाइड लिया, सपोज आयोडाइड लिया और इसको हीट किया. ये जो K और I है दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और KI अलग हो जाएगा. जैसे ही KI अलग होगा हम देखेंगे N पे रिएक्शन हो जाती है और R आ जाता है. ठीक है, ये जो N पे रिएक्शन हुई R आया, इसका हाइड्रोलिसिस किया एसिड मीडियम में और हमारे पास यहां से डिसोसिएशन हुआ. वाटर डाला, एक OH इधर गया, एक H इधर गया, ऐसे ही एक OH इधर गया, एक H इधर गया. सो रिएक्शन हो गई हमारी COOH, जिसे हम थैलिक एसिड कहते हैं और साथ में RN पे दो हाइड्रोजन आ गए एंड इट बिकम्स प्राइमरी अमीन. सो इस तरह से प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन है, ये हमारी गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन सिंथेसिस. और इसकी लिमिटेशन है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स इससे नहीं बनाए जा सकते. रीजन फिर वही आता है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देते और इसलिए गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स नहीं बना सकते. ठीक है, सो ये हो गया हमारा गैब्रियल थैलिमाइड. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट. इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल के या एसिड्स के कंपेरिजन में कम होते हैं. दो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रो से ज्यादा होंगे, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होंगे, लेकिन अल्कोहल और एसिड्स के कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपैरिजन में इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे. सेकेंड सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, दोनों तीनों ही बनाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए तीनों ही अच्छे से वाटर में सॉल्युबल होते हैं. बट अगर हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करें वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, या यूं कहें कि फिनाइल ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. सो एराइल्स अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट सॉरी एल्काइल अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट एराइल अमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, बच्चों जरूर आएगी बोर्ड में, ध्यान रखिए, बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स. ठीक है, सो यहां पहले हम कंपेयर करेंगे अमोनिया को एलिफैटिक अमीन से. अगर हम अमोनिया देखें और एलिफैटिक अमीन देखें तो यहां पर प्लस आर प्लस आई इफेक्ट आ रहा है इस एल्काइल ग्रुप के कारण. ठीक है, और बेसिक नेचर जो होता है वो प्लस आई से भरता है. सो अगर हम देखें अमोनिया और एलिफैटिक अमीन्स में तो एलिफैटिक अमीन का बेसिक नेचर ज्यादा हो गया. ये हो गया हमारा गैशियस फेस में. लेकिन अगर हम एक्वस स्टेट में कंडीशन देखें, अब देखिए यहां पे अमोनिया या एलिफैटिक अमीन है. ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमीन, RNH2 प्राइमरी अमीन, R2NH सेकेंडरी अमीन, R3N टर्शरी अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी. तो जितने ज्यादा प्लस आई बढ़ते जाएंगे बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा. और ये ऑर्डर हमारा गैशियस फेज तक बिल्कुल सही है, लेकिन एक्वस स्टेट में आते ही ऑर्डर वेरी कर जाता है. और इसीलिए क्योंकि यहां एक्सेप्शन आ गया, इसलिए आपको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को. एक्वस सॉल्यूशन में आते ही हमारे पास अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज होते ही बेसिक नेचर भी वेरी करता है. जैसे अगर R हमारा मिथाइल है, R अगर मिथाइल है तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शरी.
कब? एक्वस फेस में, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस तरह का ऑर्डर है। और अगर आर आपका इथाइल है तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी। ऐसा क्यों होता है? सो ये बेसिक नेचर का जो वेरिएशन आ रहा है ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर पे, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एंड द बेसिसिटी ऑफ देयर अमीन्स। वन फैक्टर इज प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड थर्ड इज स्टेरिक फैक्टर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फैक्टर एक्सपेरिमेंटली गिव्स अस दीज कैलकुलेशंस डिफरेंट फॉर प्राइमरी सॉरी मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल के लिए भी डिफरेंट है। तो इस तरह से हमारे पास वेरिएशंस अलग अलग आती हैं और हमारे पास फैक्टर्स ये होने के कारण बेसिक नेचर एक्सेप्शनली डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। बट अगर सिर्फ गैशियस स्टेट में पूछा जाए तो आपके पास ये ऑर्डर रहेगा, और अगर एक्वस फॉर्म में आता है तो हमारे पास इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ऑर्डर चेंज हो जाता है। सो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमारे पास बेसिक नेचर इफेक्टेड होता है। अब अगर हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, सो एरोमेटिक अमीन्स को जब हम अमोनिया से कंपेयर करें, आपके पास अमोनिया है NH3, यहां पे आया माइनस आई इफेक्ट, और हम जानते हैं कि बेसिक नेचर प्लस आई से भरता है तो माइनस आई से कम होगा। सो अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन्स। सो जितने भी एरोमेटिक अमीन्स है दे ऑल आर वीकर बेसिस देन अमोनिया, तो आपको यह ध्यान रखना है अमोनिया का नेचर। देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3 ग्रुप, जैसे OCH3 ग्रुप, जैसे NH2 ग्रुप, जैसे OH ग्रुप, अगर ये वाले ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट है अलोंग विद अमीन्स यानी एरोमेटिक अमीन पे प्रेजेंट है तो बेसिक नेचर में क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे बेसिसिटी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो बेसिसिटी कम होगी। जैसे आपके पास NO2 है, जैसे आपके पास हैलाइड्स हैं, जैसे आपके पास साइनाइड ग्रुप है, सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आते जाएंगे बेसिक नेचर कम होता जाएगा, और इनका भी इफेक्ट पैरा पे सबसे ज्यादा होगा, मेटा पे उससे कम होगा, और ऑर्थो इफेक्ट यहां पे भी आएगा और ऑर्थो पे सबसे कम होगा। अब हम बात करेंगे ऑर्थो इफेक्ट की। तो ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, ऑर्थो पे अगर हमारे पास अमीन्स ग्रुप प्रेजेंट है, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, ऑर्थो पे आते ही ये ग्रुप का नेचर सबसे वीक हो जाता है। दैट मींस कोई भी ग्रुप आ जाए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हमेशा सबसे वीक होंगे एज कंपेयर टू एनी अदर एनिलीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमीन्स का। यहां पे कुछ नेम रिएक्शन और आती हैं, जैसे आपके पास अगर प्राइमरी अमीन है RNH2, इसको अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH तो आपके पास बनता है RNC, जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमीन एंड दस दिस नेम रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। उसके बाद एक और नेम रिएक्शन आती है जो मैं आपको बता चुकी हूं, डाइजोटाइजेशन, दैट इज द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर एनिलीन्स। एनिलीन्स डाइजोटाइजेशन रिएक्शन देते हैं, कैसे होता है डिफरेंस बताती हूं। अगर आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है और आपने इसमें NaNO2 और HCl ऐड किया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, सो आपके पास N2+Cl- बनेगा, ठीक है, एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए स्टेबल है और आगे फर्दर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रिएक्ट करने के काम आता है। लेकिन अगर आपने एलिफैटिक अमीन लिया और यही चीजें डाली तो आपके पास RN2Cl बनेगा लेकिन वो फटाफट से डिसोसिएट हो जाएगा RCl और N2 में, ये रिएक्शन डिसोसिएट हो जाएगा एंड दिस इज प्राइमरी अमीन। सो दिस टेस्ट डाइजोटाइजेशन, दोनों में डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है बट एरोमेटिक में जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसमें जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो हाईली अनस्टेबल है तो ये टूट जाता है, जबकि ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फर्दर एजो डाई टेस्ट देता है जो हमने ऑरेंज डाई एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था।
So this test is used to distinguish between aliphatic and aromatic amines also. Okay. Next we have is electrophilic substitution reaction. बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा ESR aromatic compounds के लिए ही होती है. So आपके पास AR यानी benzene group है, उसपे amino group लगा हुआ है. So amino group क्या है? Activating group है. It is very strong activating. Activating का मतलब क्या है? कोई भी electrophile आएगा तो attack जल्दी होगा. Okay? And it is orthopara directing means इसका जो reaction है बहुत जल्दी होता है और अगर हम इसमें suppose bromination करें bromine water add करके तो हमारे पास mono substituted बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और bromine जो है वो तीनों position पे आ जाते हैं. Reason क्या है? The group is highly activating. तो अगर हमें single या mono substituted stage चाहिए तो reaction को रोकना बहुत मुश्किल होता है. So, ऐसे में क्या करते हैं? ऐसे में हम इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करके हम इसका एसिटाइलेशन कर देते हैं. So, जैसे ही इस अमीनो ग्रुप का एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइल हैलाइड डालते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ भी डाल दीजिए, तो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड से आपने डाला, so आपके पास NHCOCH3 आ जाता है. So that is acyl group which is activating but as compared to amino weak activating. So weak activating होते ही अगर इसका bromination कर रहे हैं, so bromination में हमारे पास NHCOCH3 के साथ ortho पे bromo और para पे bromo आ जाएगा. तो हुआ क्या, ये रिएक्शन हुई हमारी ऑर्थो और पैरा पे और अब हम इसको एसिड के साथ रिएक्शन करके वापस से NH2 हाइड्रोलाइज कर दीजिए, चाहे तो चाहे एसिड डाल दीजिए, वापस से NH2 और BR बना सकते हैं. सो ये ऑर्थो पे हुआ, ऐसे ही अगर आप पैरा पे ले रहे हैं COCH3 ठीक है BR, तो हमारे पास अमीनो पैरा पे आएगा. सो इस तरह से हम अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करके मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स भी बना सकते हैं. क्लियर? अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, अमीनो ग्रुप को अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हैं सो आपके पास तीन प्रोडक्ट बनेंगे NH2 के साथ, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे. सो क्योंकि NH2 ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग है सो ऑर्थो और पैरा पे तो आने ही चाहिए, बट क्वेश्चन ये आता है कि एक सब्सिक्वेंट अमाउंट मींस अराउंड 47% हमारे पास मेटा भी आता है, ऐसा क्यों? सो उसका आंसर ये है कि मेटा पोजीशन इसलिए आता है क्योंकि जब हम इसमें HNO3 और H2SO4 डालते हैं जो कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो ये नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रेशन के साथ साथ इस NH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन भी कर देता है. जैसे ही NH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है इट बिकम्स NH3+, जिसे हम एनिलीनियम आयन कहते हैं. और ये एनिलीनियम आयन जैसे ही इस नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज होता है ये एनिलीनियम आयन बन जाता है मेटा डायरेक्टिंग, और जब इसका नाइट्रेशन होता है तो मेटा पोजीशन पे आता है और इन दोनों ग्रुप का नाइट्रेशन होता है तो ऑर्थो पे आता है, एंड दस वी हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मेटा पोजीशन अलॉन्ग विद ऑर्थो एंड पैरा. तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में बनते हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा. देन वी हैव How to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. ठीक है? So answer is by using Hinsberg reagent. Hinsberg reagent को use करके हम primary, secondary और tertiary amines को easily separate कर सकते हैं. क्या होता है Hinsberg reagent? Benzene, sulfonyl, chloride. That is benzene पे आपके पास SO2Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, benzene sulfonyl chloride. प्राइमरी अमीन जब Hinsberg से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होती है एंड फर्दर वो एल्कली में NaOH या KOH में सोल्यूबल हो जाता है. सो पहली चीज रिएक्शन भी होती है और सोल्यूबिलिटी भी होती है. सेकेंडरी अमीन जब Hinsberg रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन होता है लेकिन KOH में इनसॉल्यूबल होता है.
ठीक है। एंड टर्शरी अमीन हिंसबर्ग से ही रिएक्शन नहीं करता है। सो एक चीज, अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है, आप लिखेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर आपको एलिफैटिक, दैट मीन्स RNH2 और ARNH2 को डिस्टिंग्विश करना है, तो आप लिखेंगे एजोडाइटेस्ट, दैट इज डन बाय डाइजोडाइजेशन फॉलोड बाय एजोडाइटेस्ट। कब? जब आपके पास एलिफैटिक और एरोमेटिक है। और तीसरा, अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है और दूसरा सेकेंडरी या टर्शरी में से कोई दिया हुआ है, तो आप यहां पे कार्बिल अमीन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। सो कार्बिल अमीन टेस्ट से भी ये रिएक्शन हो जाएगी और डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो यहां पे हिंसबर्ग भी लग सकता है और कार्बिल अमीन भी यूज हो सकता है, ठीक है। सो डाइजोडाइजेशन समझ में आ गया। एजोडाइट टेस्ट एक बार मैं आपको बता देती हूं क्या होता है। एजोडाइट टेस्ट को हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है N2+Cl-, और इसमें अगर आपने फिनॉल या एनिलीन डाला, ठीक है, अगर बेंजीन पे हुए थे तो फिनॉल, बेंजीन पे NH2 है तो एनिलीन, तो क्या होता है, हमारे पास डाई बनती है। किस तरह से? इसका जो Cl है और इसका जो H है वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, NN यहां पे, और हमारे पास OH या अमीनो ग्रुप आता है। अगर OH है यानी फिनॉल लिया है हमने, तो हमारे पास ऑरेंज डाई बनती है, और अगर हमने अमीनो लिया है तो हमारे पास येलो डाई बनती है। एंड दैट इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन। इसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हम एजो डाई टेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज फाइनली डाई बनती है और इसमें यह जो ग्रुप होता है इसे एजो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट इज द चैप्टर अमीन्स। इसमें कुछ नेम रिएक्शंस आपको करनी है। एक है सैंडमियर रिएक्शन जो डाइजोटाइजेशन से होती है, और एक है गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों क्या रिएक्शन है मैं आपको बताती हूं। आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है N2+Cl-, ओके। अगर आपने इसमें, सैंडमियर रिएक्शन की मैं बात कर रही हूं, अगर आपने इसमें कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl से रिएक्शन कराया, तो आपके पास ये N2+Cl हट जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है। अगर आप इसमें कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर ले रहे हैं और फिर रिएक्शन करा रहे हैं, देन दैट रिएक्शन गिव्स द सेम प्रोडक्ट Cl, बट इस रिएक्शन को हम कहेंगे गेटरमैन, गेटरमैन रिएक्शन। सो फर्क समझ में आया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम है। अगर हम कॉपर सॉल्ट ले रहे हैं तो सैंडमेयर, और कॉपर पाउडर ले रहे हैं तो गेटरमैन रिएक्शन होगी। अगर आप फ्लोराइड्स बना रहे हैं डाइजोनियम सॉल्ट से N2+Cl-, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बाल्स शीमान रिएक्शन, और यहां पे हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है HBF4, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम कहेंगे बाल्स शीमान रिएक्शन। HBF4 यूज करके हम इसको रिएक्शन कराते हैं। अगर आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर से रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर पाउडर, तो यहां पे हमारे पास बनता है नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको आपको करना है। दे आर स्पेसिफिक रिएक्शंस फॉर डाइजोनियम सॉल्ट ऑल्सो। सो दिस ऑल अबाउट इज द चैप्टर। तीन चीजें आपको अच्छे से करनी है, एक तो बेसिक नेचर जो मैंने आपको बताया, एक नेम रिएक्शंस आपको करनी है, एक अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप अच्छे से करिएगा, और दूसरा मेटा डायरेक्टिंग नाइट्रो क्यों बनता है वो करिएगा, प्लस डिस्टिंग्विश टेस्ट। एंड बच्चों एनसीईआरटी तो आप नहीं भूलेंगे, एनसीईआरटी को करना बहुत जरूरी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करिए। सो दिस ऑल अबाउट इज द ऑर्गेनिक। एंड नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोमॉलिक्यूल्स अपलोड करूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मुझे इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। बेल आइकन प्रेस कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।